गोपाल नेगी ब्लॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बज चुके हैं गाइस शाम के 4:30। और आज गाइस पहाड़ों में मौसम की बात करें तो सुबह से पहाड़ों में बादल लगे हुए हैं और शाम तक बारिश हो सकती है। देख सकते हो आज पहाड़ों में सुबह से बादल लगे हुए हैं। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा लेट में गाँव में घूमने के लिए, तो गाइस अब चलते हैं गाँव में घूमने के लिए। तो गाइस आ चुके हैं गाँव में और अब हम जा रहे हैं घूमने। और हमारे साथ आ रहे हैं आज भासु, कानू और यह नैनू, देख सकती है। और आज कानू गया था स्कूल, आज मतलब आज कानू 6 में चले गया है और पहले था 5 में। और अब जा रहा है भासु उनके साथ स्कूल में। और कानू ये है, और आपको स्कूल कैसा लगा? और गैस आज ही गया था भासु लोगों की स्कूल, पहले जाता था हर्षु लोगों की स्कूल में। और आज कैसे लगा स्कूल? बहुत अच्छा ये। तो गैस आप चलते हैं गांव से घूमने के लिए रोड में और फिर जाएंगे वहां से, अभी पता नहीं है कहां को जाएंगे घूमने, तो चलते हैं पहले रोड में। तो गैस हम पहुंच चुके हैं पीपल के पेड़ पे और अभी हम गए थे कानू लोगों के घर और वहां से सभी बच्चे आ चुके हैं। और भूमि, कानू, हर्षु, नैनू सभी बच्चे आ चुके हैं। और आज हम बहुत टाइम बाद आ रहे हैं पीपल के पेड़ पे और आज हम बहुत टाइम बाद भी जा रहे हैं जाल के गांव को घूमने के लिए रोड के रास्ते। मतलब हम 1.5 महीने पहले वहां को गए थे जाल की ओर और आज हम जा रहे हैं दोबारा से ऐसे घूमने के लिए, क्योंकि कल हम उधर को गए थे दूसरी जगह और आज हम जा रहे हैं जाल की ओर। और आज हमारे साथ है गाँव के सभी बच्चे, देख सकते हो। और अब चलते हैं जाल के गाँव की घूमने के। और यहाँ पे कानू बेचारा थक चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब चलते हैं जाल की ओर। और गाइस अब हम चलते हैं जाल के गांव की ओर घूमते हुए। और ये हमारे गांव के बच्चे, देख सकते हो। और यहाँ पे अभी नैनू रो रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी नैनू रो रही थी, यह है नैनू। और अब हम चलते हैं जाल की ओर। और आज पहाड़ों में मौसम की बात करें तो पहाड़ों में 1 महीने से बारिश का मौसम बना हुआ है और मतलब 1 महीने से एक बार बारिश हुई थी परसों सुबह, और उसके बाद देख सकते हो दोबारा से बारिश का ही मौसम बना हुआ है। और अब हम चलते हुए जाल की ओर। और गाइस हमारे गाँव को वहाँ पे, यहाँ पे रास्ते में देख सकते हो यहाँ पे फूल और का है इस प्रकार से, छोटा सा फूल और का ये इस प्रकार से। और ही पहाड़ों में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। गाइस हमारे गांव के यहाँ पे बच्चे झगड़ा करते हुए देख सकते हो, संदीप और कानू वहाँ पे झगड़ा करते हैं, आपको दिखाते ही है आपस में गाइस से झगड़ा कर रहे हैं ये दो जने, देख सकते हैं यहाँ पे कानू ने मारा संदीप को। ये आपस में सभी बच्चों की झगड़ा होते हुए पता नहीं किस बात में। और ये छोटे को देखो, ये कानू और इसका झगड़ा ही होती है ये। तो गाइस ये कानू ने इसे गिरा दिया है नीचे और इन दोनों की हो चुकी है झगड़ी गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ये दो। और भूमि, और भूमि अपने भाई को हटा दिया वहाँ से झगड़ा मत कर करके। और ये डॉन, तो गाइस ये है छोटा डॉन गाइस, देख सकते हो। और यहाँ पे गाइस और बच्चे भी झगड़ा कर रहे हैं आपस में ऐसे ही, और कानू भाई ने अभी झगड़ा करा था और हम नाच कर रहे हैं यहाँ पे, ये झगड़ा करने के बाद यहाँ पे नाच करते हुए। और ये दो आपस में अब ये कर रहे हैं झगड़ा, अभी ये नहीं कर रहे थे और ये कर रहे हैं अब झगड़ा यहाँ पे, देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे मार दिया नैनू को और यहाँ पे नैनू रो रही है और यहाँ पे सभी बच्चे झगड़ा कर रहे हैं और कानू और ये अब इनका झगड़ा। और ये है शैतान बच्चा भास्कर के बाद, ये है शैतान बच्चा और ये कर रहा झगड़ा यहाँ पे आपस में, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे शैतान करते हुए झगड़ा और आगे चले गए। और हम भी चलते हैं उनके साथ, देख सकते हो गाइस यहाँ पे शैतानी करते हुए और इनका झगड़ा हो रहा है दोबारा से। और कानू भाई भी चले गए मारने के लिए, ये दो कर रहे हैं यहाँ पे झगड़ा और कानू और उनका दोबारा से हो रहा है झगड़ा गाइस। यहाँ पे थोड़ा बहुत झगड़ा भी कर रहे हैं और भाषु बना रहे हैं इनकी वीडियो झगड़ा करते हुए। ये कानू और संदीप का झगड़ा होते ही रहता है आपस में पता नहीं किस बात में। और गाइस अभी चलते हुए जाल को झगड़ा करते हुए देख सकते हो आपस में सभी बच्चे दौड़ते हुए। और अब हम चलते हुए आगे की ओर और ये हर्षु यहाँ पे झगड़ा नहीं कर रही है और बच्चे सब यहाँ पे झगड़ा करते हुए जो आगे चले गए हैं और आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो वैसे अभी कानू और संदीप के झगड़ा हुआ था और गाइस यहाँ पे कानू झगड़ा करने के बाद बेचारा शांत हो चुका है, ये इन दोनों का झगड़ा हुआ था। और अभी जा रहे हैं दो बहनें, भाई बहने और संदीप नीचे वहाँ पे बैठ चुका है, अभी वो कर रहा था झगड़ा मतलब और बच्चों के साथ भी झगड़ा कर रहा था और अभी कानू के साथ भी कर रहा था ये कानू। और अभी ये दो साथ में झगड़ा कर रहे थे, अभी हो चुके हैं दोनों थक चुके हैं और कानू मेरे को लग रहा और करेगा झगड़ा ये। और गाइस यहाँ से नीचे का व्यू देख सकते हो और नीचे है गगास नदी और यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे नीचे नदी है और यहाँ हम जाते हैं कभी मच्छी मारने और ऐसे घूमने जाते ज़्यादातर हम जाते हैं नीचे को घूमने। और यहाँ का शाम का व्यू पीछे को इस प्रकार से है और आगे है जाल जहाँ पे गाड़ी रुकी भी हुई है और आम का पेड़ है। और अब चलते हैं जाल पे। और गाइस थोड़ा जाल के गांव के ऊपर बैठे थे जहाँ पे जाल जहाँ पे लिखा हुआ है और अब हम चले अपने गाँव की ओर जहाँ पे पीपल का पेड़ है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे गाइस और उसके बाद चलेंगे अपने घर की ओर। और बच्चे लोग भी आज थक चुके हैं ज़्यादा और कानू गया था आज स्कूल और सभी बच्चों के बोर्ड के पेपर के बाद कानू लोगों का स्कूल खुल चुका था। जब बोर्ड के पेपर होते बच्चों के तब ये स्कूल इनके जाने के लिए मना करा था भूमि लोगों का। और अब हम चल रहे हैं गाँव की ओर और कानू लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज कानू स्कूल गया था,
तो जो हमारे जो जहाँ से हमने इंटर करा वो थोड़ा दूर था और वहाँ आज कानू गया था, मतलब यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर होगा। और जो कानू का प्राइमरी विद्यालय है वो थोड़ा नज़दीक था, इसलिए थक नहीं पाता था। और कानू आज तुम थके हम स्कूल जाने के बाद, तो गाइस आज कानू 6 में चले गया है और इसलिए हमने 5वीं क्लास में थोड़ा फर्स्ट आर का है, जहाँ प्राइमरी विद्यालय था इसका वहाँ इसने फर्स्ट आर का है। और अभी पहुँच चुका है 6 में, जहाँ भूमि और भास्कर पढ़ते हैं। और अब हम चलते हैं पीपल की पेड़ की ओर। अभी कानू और संदीप झगड़ा कर रहे थे और अभी ये दो कर रहे हैं झगड़ा, हर्षु और नैनू। और आगे से आ रहे हैं घोड़े, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, ये उनके हैं जयदा लोगों के घोड़े, जो अभी नदी से आ रहे हैं, वहाँ से नदी। और आज गए होंगे कहीं दूसरी जगह, क्योंकि नदी से रेता लाते हैं घर। और अभी आ रहे हैं आगे से यहाँ पे, और ये देख सकते हो कैमरा को देख के मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे इनकी स्माइल। और घोड़े आ चुके हैं थक के और चढ़ते हुए जा रहे हैं, और इनकी स्माइल देख सकते हैं, अच्छी लगी इनकी स्माइल है। तो गाइस आज कानू हमको बहुत टाइम बाद एक गीत सुनाएगा, पहाड़ी गीत कह सकते हैं, या ओल्ड सॉन्ग या न्यू सॉन्ग भी सुना सकता है, अभी मुझे पता नहीं है कौन सा सुनाएगा, कौन सा गीत सुनाओगे आज। तो गाइस का एक फेवरेट गीत सुना रहा है आज, देख सकते बोलने में, और आपको सुनाते हैं कानू का पहाड़ी गीत। और कानू बोलेगा आपके करू रे नस्त मदे तू रे गयू पहली गा पिया में गए फिर दियाला सरा मगे पी सच लगनी अकल उमर भेट दगड़नी होनी अब के करू रे नस्त मदे तू रे गयू अब के करू रे बियर में नस्त है। तो गाइस कानू भाई ने एक अच्छा गीत सुना है, लाल बोतल शराबा, जो आपने सुना होगा पहाड़ी गीत है, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और कानू भाई थक चुके हैं गीत कहने के बाद, देख सकते हो कानू का बहुत अच्छा एक गीत सुनाया। तो आप चलते हैं घर की ओर, और बच्चे भी अभी यहाँ पे डांस भी करते हुए, ये देख सकते हो डांस भी कर रहे हैं, गीत भी सुना रहे हैं, पहाड़ी गीत कहते हैं जिन्हें। और गाइस कानू भाई यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये देख सकते हो ये एक्सरसाइज, और यहाँ पे ये कानू भाई का हमारे एक्सरसाइज करते हुए। और अब चलते हैं कानू भाई घर को, ये यहाँ पे एक्सरसाइज करने जाते हैं। और बच्चे चले गए हैं गाइस आगे को, और कानू भाई आ रहे हैं पीछे से एक्सरसाइज करते हुए, यहाँ पे हमारे कानू भाई है। तो चलो कानू भाई घर को, तो चलते हैं आगे को, और सही बच्चे लोग जा रहे हैं आगे को। और शाम का व्यू पहाड़ों का इस प्रकार से, और आजकल दोबारा से आग लग चुकी है, जिस इलाकों में पहाड़ों में आग नहीं लगी थी उस इलाकों में दोबारा से आग लग चुकी है, और इधर को तो आग लग चुकी है। और इसलिए हरी घास, यहाँ से थोड़ा बहुत हरी घास दिख रही है, और यहाँ से नीचे को गगास नदी गाइस, और यह जाल का गांव जहाँ अभी हम घूम के आए हैं, और यह नीचू हमारे गाँव वालों का जंगल। और चलते हैं पीपल के पेड़ की ओर। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो फूल और के, और यहाँ पे ला रही है भूमि तोड़ के, और आपको भी दिखाते हैं एक फूल किस प्रकार से होता है, और इसका नाम मुझे पता नहीं है, एक नाम क्या है इसका, इस फूल के देख सकते हो इस प्रकार से होता है फूल, पहाड़ी फूल कहते हैं जिसे। और ये कानू भाई लो लो घर को ले जाना अपने, ये कानू भाई, और वहाँ पे भूमि कर रही है फोटो शूट, और आधे बच्चे चल गए हैं पीपल के पेड़ पर, हम भी चलते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं जाल के गांव से घूमकर, और अब हम बैठ चुके हैं पीपल के पेड़ पे, और यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं, और थोड़ा बहुत गाइस थक चुके हैं, और इसके चंद्रा के पैर में कांटा चुभ चुका है, और यहाँ पे अब सभी बच्चे शांत हो चुके हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। तो हमसे पहले आ गए थे और घूमते हुए, और ये दौड़ लगा के आ रहे थे रोड के रास्ते, और यहाँ पे अभी सभी बच्चे बैठे हुए हैं, और इनको थकान लग चुकी है गाइस, और यहाँ पे थोड़ा बहुत बैठे हुए हैं, और इसके बाद गाइस थोड़ा देर बैठते हैं, और उसके बाद चलेंगे अपने घर की ओर। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।